तो दोस्तों आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसआई के विषय में, ठीक है। जो एसआई का अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई है 2013-15-18 के संबंध में, उसके लिए एक आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि कब तक यूपीएसआई का रिजल्ट भी आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो में। जैसा कि विज्ञप्ति में कहा गया है कि उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अगर हो सके तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिया गया है, जिसका पता होता है तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसका पिन कोड हो जाता है 226001, ठीक है। और इसका जो दूरभाष फैक्स है उस पर अगर आप कुछ दूरभाष संपर्क करना चाहते हैं, ठीक है, उस फ़ोन नंबर दिया गया है, इसका ऑफिशियल नंबर है 0522-22-35752। फिर नंबर सुन लीजिए, 0522, और फिर इसका जो कोड हो गया, अब इसका जो फ़ोन नंबर है इसका 22-35752, और फैक्स भी अगर आप कर सकते हैं 0522 और 22-35806, ठीक है। और अगर आप कि कई सारे मेरे पास कमेंट आए हैं कि इस साइट पर रिस्पांस नहीं आता है, जो इसमें इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, ठीक है। तो अगर आपको अगर ऐसी असुविधा महसूस होती है, इतनी जल्दी वो रिस्पांस नहीं करते, 4-5 दिन लग जाता है, 1 हफ्ते लग जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं तो इस दूरभाष नंबर पे आप उनके पास बात कर सकते हैं, नहीं तो फैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस विज्ञप्ति में दिया क्या है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो इसकी जो विज्ञप्ति संख्या है उसके बारे में, और जो इसकी विज्ञप्ति दिया गया थी 10 मई की तारीख में दिया गया है, ठीक है। इसका मैंने एक वीडियो डाल दिया है, फिर मैं बताने के लिए कि अगर आपकी ईमेल आईडी से नहीं आ रहा है इसको रिस्पांस, तो आप घबराइए नहीं, 1 हफ्ते तक आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो आप इस दूरभाष नंबर पे और फैक्स नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपको यूपीएसआई से भी संबंधित जानकारी वहाँ से लेनी है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी, मैंने वहाँ पर बात किया है तो वहाँ उन्होंने क्या बताया है मुझे, मैं बताऊँगा आपको वीडियो लास्ट तक, ठीक है। तो पहले आप देख लेते विज्ञप्ति में क्या दिया गया है। तो जैसा कि यह विज्ञप्ति में कहा गया है, आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013, क्षैतिज आरक्षण की त्रुटि ठीक करने की कार्यवाही, ठीक है, इसके उपलक्ष्य में यह विज्ञप्ति दिया गया है। और आरक्षी पुलिस पुरुष एवं महिला दोनों एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2015, ठीक है, चयन सूची का प्रकाशित होना ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस जो 2016 के यूपीएसआई के बारे में दिया गया है, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2016, जो इसमें 2016 में सीधी भर्ती हुई थी इसके समकक्ष पदों पर, उसके लिए विज्ञप्ति है ये। DVPST की सूची जारी किया जाना, ठीक है, इसके विषय में दिया गया है कि सूची जारी किए जाने के बारे में आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तथा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के संबंध में, ठीक है, आप इसके लिए भी आप 2018 के संबंध में भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं किसी अभ्यर्थी को यदि कोई जिज्ञासा है तो अभ्यर्थी द्वारा अपना अनुक्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर जिज्ञासा को बोर्ड की ईमेल आईडी samparak@uppb.gov.in पर भेजें एवं जिस पर ईमेल उत्तर चाहिए और उसका उल्लेख करें। तो इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी आप फिर से सुन लीजिएगा, जो ईमेल आईडी है samparak@uppb.gov.in। फिर से मैं बोल देता हूँ, तो शब्द देख लीजिए, samparak@uppb.gov.in पे आप ईमेल कर सकते हैं इनको और अपनी जिज्ञासा का समाधान पा सकते हैं वहाँ से। और नहीं तो अगर किसी ने मेरे पास कमेंट भी किया था कि रिस्पांस नहीं आता, तो आप इसके दूरभाष नंबर पे भी और फैक्स नंबर भी कर सकते हैं, ये लोग ज़रूर रिस्पांस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि अगर यूपीएसआई का जो रिजल्ट की बात है, तो यह अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच जारी होने की
अत्यधिक प्रबल संभावनाएं हैं कि 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो प्रक्रिया करा रही थी, परीक्षा प्रक्रिया यूपीएसआई की, उन्होंने अपनी तरफ से क्लीन दे दिया है और रिजल्ट जारी करने का बोर्ड का जिम्मा बनता है, वो कब जारी करता है, ठीक है। अब बोर्ड देखिए कब तक जारी करता है। और एक लोग कमेंट कर करके बार बार हमारे इस चैनल पर पूछ भी रहे थे, एक एकता गुप्ता करके हैं, ठीक है, एकता गुप्ता जी हैं, वो पूछ भी रही थी कि क्या कोई सूचना आ रही है। तो सूचना यही आ रही है कि अंदर जितने भी बातें चल रही हैं उसको अभी बाहर नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो मैं बता दिया था वीडियो में, और फिर अगर अगली न्यूज आएगी तो मैं उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो मैं इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।